जावेद साहिबा जी, माइक ऑन करें जी मैडम का। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर आपके टाइम देने के लिए। मेरा तलक एक मसीही कौम से है और आज अहमद भाई को हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने एक बड़े ही अहम जो कि हमारा हार्ट टचिंग एक टॉपिक है उस पर बात की है कि सैनिटरी वर्कर का क्या हाल है। जनाब स्पीकर मैं कहते हैं पर सच से तुम वाकफ हो जो सच आपको आज़ाद कर देता है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई, मैंने लास्ट टाइम जिस स्पीच की तो उसमें यही कहा था कि इस कौम ने मुल्क पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और आज अहमद भाई ने कौम के जो हाल है जो हमारी कौम जहाँ तक पहुँच चुकी है उसका बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हमने शुरू कहाँ से किया और हम आ कहाँ गए। मेरी रिक्वेस्ट है उसी बात को कोट करते हुए उन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारे जितने भी ये जेनिटोरियल पीपल्स हैं उस दिन भी मैंने बात की कि एक तो ये सारे कन्फर्म होने चाहिए डेली वेजेस वाले और इनका स्केल बढ़ाना चाहिए और इनकी जो सैलरी है वो जैसे दूसरे मुल्कों में डेढ़ गुना होती है, रिक्वेस्ट है कि डेढ़ गुना होनी चाहिए। आज से चार माह पहले जनाब स्पीकर सियालकोट में एक सैनिटरी वर्कर के जो बेटा था उसने अपने बाप से डिमांड की कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन उसने क्या किया कि जनाब स्पीकर जब उसके बाप ने उसे उसकी जो ज़रूरत को पूरा ना कर सका तो उसने जनाब स्पीकर छत से छलांग लगाई और ख़ुदकशी कर ली। इनके हालात बहुत ही बुरे हैं जनाब स्पीकर, और अगर आप देखें कि यहाँ ऊपर से नीचे तक इनके साथ जो रवैया हो रहा है वो वैसे ही स्टेलों वाला हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका स्केल बढ़ाया जाए और इनको कन्फर्म किया जाए और इनकी पे को डेढ़ गुना किया जाए। गॉड ब्लेस यू जी।